नमस्कार अर्गस बिग ब्रेकिंग को स्वागत करीमा उल्लास जेना 4 वर्ष है हत्याकांड को किंतु ए पर्यंत परिवार को मिलनी न्याय शेष में बाध्य चलित मास माने फेब्रुआरी 19 तारीख में आत्माहुतिर उद्यम करते माँ भाई किंतु न्याय को मिल उल्टा से रखाला झारपड़ा जेल जो बर्तमान पर बहुत चिंतार अनेक तथ्य रही पाखे सीसीटीवी फुटेज भी रही कि पुलिस शुणा को नाराज कौन कार्यानुष्ठान ने यार प्रतिबाद में आज एक राली करा जो रही प्रतिनिधि इमरान खान इमरान सीधा सड़क आपको जीपाई चाहिए उल्लास जेना पर न्याय अपेक्षा केवे मिल न्याय से नहीं तो सन्देहान कितु बर्तमान उल्लास जेना को किभ न्याय मिल से प्रतिवाद एक राली बाहर अपडेट कौन इमरान देखो नीलिमा जो वर्तमान कथा होची उल्लास जेना हत्याकांड घटना को लेकिन जिते रहस्य भितर को जाउछि अनेपटे राजनीतिक माहौल से सरगरम चलानी जेहतु आप जानते हैं किसी दिन पूर्व उल्लास जेना परिवार वर्ग सहित एठाकर जो पारादीप विधायक संबित राउतरायंक सहित जो जुक्तितर्क होता जो भाव से व्यवहार करते विरोध करी बीजेपी महिला मोर्चा कुजंग बीजेपी महिला मोर्चा मुझे दृश्य बर्तमान देखेबी ये होती कुजंग बीजेपी महिला मोर्चार सब बीजेपी नेत्री अच्छा एठाकर स्थानीय महिला मैंने अच्छा जो मैंने से ही प्रतिवाद बर्तमान करते भाव में जो विधायक जो जो व्यवहार करते उल्लास जेना पर वर्ग सहित विरोध करती बीजेपी महिला मोर्चा और ता सहित से विरोध प्रदर्शन बर्तमान करपटे अभोग भाव में जो मैंने अभियुक्त मान रही कौटि ना कौटि सुरक्षा दौरान स्थानीय विधायक और बापा वरिष्ठ नेता दामोदर राउत जहाँ को अभियोग कर विरोधी मैंने सीधा सड़क जावा प्रतिक्रिया ना ये बीजेपी महिला मोर्चार नेत्री मैंने अच्छा मैडम जो आपड़ी विरोध प्रदर्शन बर्तमान करोध प्रदर्शन करार कारण कौन रही बर्तमान मु जिला बीजेपी महिला मोर्चा सभानेत्री कृष्णा महांती आज ये जो महिला मोर्चा विक्षोभ प्रदर्शन कर मूल उद्देश्य आज की 5 वर्ष तले जो मद दोकान रे उल्लास जेना को पोड़ी मारी दिया गला आज को 5 वर्ष बीतीगला से परिवार को कौन सी न्याय मिललानी से परिवार प्रति कहार ध्यान ना मरी जाइथिबा उल्लास जेना को न्याय मिललानी तेणुक एबे जेतेबेले विधानसभा आगरे तांकर माँ आउ भाई आत्माहुति दबापाई जाइथिले जेतेबेले निराश हेले जे आमे न्याय पाई पारलुनी गल्ला भितरे सेमाने तांकर उपरे आक्रोश मनोभाव रखिकिरी तांको परिवारर जणे महिला सदस्यंकु तांकर भाई बहु हेबे तांको विधायक महोदय फोन रे तांको रैगिंग करचंदी एवं अशालीन भाषा रे तांको एभळी भाव रे व्यवहार करचंदी जोटा आज महिला समाज पई एते निंदनीय जे ए विधायक महोदय को कोण जो लोक माने वोट देथले महिला माने कोण वोट दे नथिले ए महिला मानन को सुरक्षा पई कि आंको पाखरे कोण कोनोसी काम नै जे ये जोटी न्याय दबा बदल रे तांको थाना रे ठुंकी दबा पई जो तांको देई चंती चेतावनी आपण माने कोहंतु एठी महिला को कौन सुरक्षा अच्छी एठी से साधारण परिवार टे ताकू कौन सुरक्षा मिलला आज एठी जो तांकर बाप पुओ विधायक महोदय एवं तांकर बापा कोठी ना कोठी आमे अनुभव करूचु जे तांकू सुरक्षा दौचंदी जहाँ फल आज पर्यंत दोषी दंड पाऊ ना एवं दोषी को गिरफ्त करा जाऊ ना कि से परिवार को न्याय दि जाऊनी से आज राज रास्ता को ओह्लैसी महिला मोर्चा तांकर कुश पुतलिका दाह करेपर्यंत जे पर्यंत तांको परिवार को न्याय न मिली उल्लास जेना आत्मा पाई न्याय न मिली से पर्यंत ये आंदोलन जारी रहिबो देखो निर्मम आप शुणुले बर्तमान प्रतिक्रिया बीजेपी महिला सभानेत्री जिला प्रति सभानेत्री अच्छा जहाँ जो कथा बर्तमान दि जाऊँगी बीजेपी महिला मोर्चा पक्षर चेतावनी दि जाऊँच उल्लास जेना और परिवार वर्ग को न्याय न मिली से पर्यंत बीजेपी रही आंदोलन बा प्रतिवाद जारी रहा है आम सहित आहरी अच्छा महिला नेत्री सहित आलोचना करवा मैडम जो कथ कहदिन जो उल्लास जेना परिवार वर्ग सहित विधायक जो पाटितुंड होता जो कहते केस ठोकी देते भाव में व्यवहार मिलता जहाँ आपने विरोध करते अनेपटे उल्लास जेना को न्याय देवाई राजस्थक बर्तन ओल्लैंट यहाँ कितने दूर पर्यटन तीव्र करेंगे यहाँ को निश्चिंत भाव में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी महिला मोर्चा सबु समय प्रतिवादर स्वर उठाई विशेषकर महिला मान द्वारा सरकार आसवा द्वारा कौन सी सुरक्षा हो पारिना जपरी भाव में विधायक मीडिया आगे माँ प्रति गोटे असम्मान कर स्वर से धमकईबार स्वर एवं भयभीत करार स्वर महिला मान देखते ठुंकीदे कही विधायक प्रति आद्य शोभा पाऊना यह अत्यंत निंदनीय एथपाई आज आम महिला मोर्चा तरफ कुश पुतलिका दाह करुचु तुरंत से पदवीर योग्यता ना तेणु पदवीर इस्तफा दिंतु नचे आगामी दिन में महिला मोर्चा राजा रास्ता को ओल्लैक आहरी निआ जल जो
जेहेतु विधायक बर्तमान बहिष्कार दाबी करछि बीजेपी महिला मोर्चा में आलोचना करिया मैडम जो कथा बर्तमान कहा जाउछि जो दाबी बर्तमान आपन मन करछन्ति जे विधायक को इस्तीफा दियनु निज पदरु आउ कोन दाबी रहछि आपन मन को हमर दाबी रहिछि जे विगत 20 वर्ष ठु अधिक होलानी जो सरकार मो सरकार रो ढांचा देई जो मोहर मारी चलीछि मो सरकार सब करूछि लोकमानन को पई तो ए जो साधारण 5 वर्ष तळे गोटे गरीब घर पिला ताकु जीवंता जला दिए जलाई दिगला मद दोकान भितर सेत पूर्वतन विधायक एबेकार विधायक आ पूर्वतन विधायक बाप पुअर संपर्क तेणु बापा जत अबकारी विभाग मंत्री थिले से ही समय घटना घटी जा तेणु बड़ दुख आउ निंदनीय विषय गोटे पर सहयोग मिल पारूनी जितेबाला से विधानसभा चली अवस्था से माँ आउ पुओ आत्महत्या उद्यम कर सुरक्षा देवे कौन ता परिवार दोषी को गिरफ्त करेंगे कौन बर माँ पु को गिरफ्त कर रखिंट ये निंदनीय घटना बहुत खराब लगुच यार बीजेपी महिला मोर्चा आर घोर विरोध करुच्ची निंदनीय घटना आम समाज पर गोटे प्रकृत दोषी को उपयुक्त दंड मिलू न्याय दि जाऊ यह कहबी जे महिला मोर्चा सब बेले दलित मान सागर अच्छी सामाजिक परंपरा सहित जड़ित रही छोटो ठू आरंभ कर सब जिन महिला मोर्चा तार तदारख कर जो मैडम कह सरकार जो स्लोगान रही माँ को सम्मान गाँ को कम ता ग्राउंड लेवल के कम कर आज्ञा बीजेपी महिला मोर्चा मैंने गाँव लेवल ग्राउंड लेवल रु बहुत कम कर चलते आगे करेंगे आहा भी स्वर उत्तोलन होमर तो सरकार एमती कम कर गाँ को सम्मान माँ को कम कही माँ को बहुत मानने लज्जाजनक व्यवहार सब कर मानने गुंडाराज मान चलना महिला मोर्चा स्वर उत्तोलन बारंबार करपर्यंत आम को दाबी न हो जो देखुले आप बीजेपी महिला मोर्चा नेत्री मैंने जो चेतावनी बर्तमान देखते जेहेतु जेपर्यंत जो न्याय न मिली उल्लास जेना परिवार वर्ग को एवं जो इस्तफा दाबी बर्तमान से स्थानीय विधायकों से दाबी के पूरण होती नजर रहा कि अंपटे जेहेतु पखापाखि 4.5 वर्ष होपर्यंत अभियुक्त मैंने गिरफ्त होती कौटना कौटी अभियुक्त मानक सुरक्षा दौरान स्थानीय विधायक संबित राउत बापा पूर्वतन मंत्री तथा वरिष्ठ नेता दामोदर राउत जहाँ को लेकिन बर्तमान राजरास्ता को ओह्लैसी बीजेपी महिला मोर्चा से तीव्र विरोध करते कहीं जानते हैं से दिन जो भी भाव में विधायक और उल्लास जेना परिवार वर्ग सहित जो युक्ति तर्क जो कथबार्ता होता है और से जो व्यवहार करते से व्यवहार को लेकिन कौटना कौटी सम्मान हानि होती से महिला होकर महिला सहित यह भाव में कमी व्यवहार कले जो विधायक ताकू आज बीजेपी स्वर उत्तोलन कर महिला मोर्चा मैंने बर्तमान राजरास्ता खोलते कौटना कौटी यहाँ राजनीतिक रूप ना देखा बाकी रहा जो सरकार जो स्लोगान रही माँ को सम्मान गाँ को कम और जो न्याय जीरो टलरां कथा कहा जाउछि ताहा केते दूर पर्यंत कार्य करछि ता पर वर्तमान समस्त को नजर रहबो तिनबा गोटे पटे तो ट्रेन पढ़ी चलती आपड़ देखते गोटे पर गोटे केस नयगढ़ परि केस देखु आप महांगार डबल मर्डर केस देखु उल्लास जेना कुजंग कथा कहतु गोटे पर गोटे जो ट्रेन कहूँ मुँह कि विधायक और मंत्री मानने जनप्रतिनिधि कम हत्याकारी बर्तमान हिसाब से टैगलाइन पचे लगुच तेणु ये ट्रेन कौटना कौटी बढ़ी चलती द्वितीय कथा सबुले जितेबाला इश्यू गणमाध्यम को आसूँ एक्सट्रीम होते पर न्याय पाऊनी जितने से आत्महत्या उद्यम करपर कथा जितने सामना को आसपुर सब राजनैतिक दल सपक्ष पूर्व कहीं समस्त जाणी कौन सब चुप रही निहत भाव देखो राजनैतिक दल जो मैंने विरोधी रोचान से राजरास्ता को कहीं ओल्लैं तार सब बड़ कारण रोचे कहीं जो मेरे अत्याचार हो जो मैंने ही अत्याचार शिकार होती से जितेबाला न्यायपाई जाऊँच जो समय न्याय मिलना तेल से कथ को आधार करके विरोधी मैंने प्रसंग करती नहीं कि राजरास्ता को ओल्लती से ही स्थित से सामान ढंग स्थित बर्तमान कुजंगर देखा मिली जदिव कुजंगर जो हत्याकांड होता 2016 मसीह जदिव से ही समय से परिवार वर्ग को न्याय मिल जाता से अभियुक्त मान जो पुलिस गिरफ्त करता था ताले बोध हुए आज राजरास्ता को ओह्लैन था विरोधी मैंने पुणी थे दृश्य बर्तमान देखेबी एवं भी सजबाज हो सारी पूरापूरी भाव में बीजेपी महिला मोर्चा नेत्री मैंने रही समस्ते हाथ में प्लाकार्ड धरती विधायक संबित राउत से पोस्टर हाथ में धरती जो प्लाकार्ड सब धरती विधायक तुम दादागिरी चढ़ चढ़ भाव में अनेक नारा से बर्तमान लगोचंती से प्लाकार्ड जरिया और माँ को सम्मान गाँ को कम आमर दाबी एभली भाव विभिन्न स्लोगन वर्तमान देचंती जो बीजेपी महिला मोर्चा मैंने हेलो हेलो
ଇମ୍ରାନ୍ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି? ଇମ୍ରାନ୍, ଗୋଟେ ପଟେ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଉଲାସ ଜେନାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲାନି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଇ ବୋଉ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି ଏବଂ ହାତରେ ମଧ୍ୟ ଦସ୍ତାବିଜ ରହିଛି କି କେଉଁ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କେତେ କାହାଠାରୁ କେଉଁ ପରିମାଣର ଦାଦାବଟି ନେଇଛନ୍ତି ସବୁ ପ୍ରମାଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଅଣଦେଖା କରୁଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଛି, ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି, ପୋଲିସ ଥାନା ଘେରାଉ କରିବାର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ? ଏହି ରାଲି ନା ଆଉ କିଛି ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଉଲ୍ଲାସ ଜେନାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ କ'ଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ସେମାନଙ୍କ ରହିଛି? ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି ଉଲ୍ଲାସ ଜେନା, କୁଜଙ୍ଗର ଉଲ୍ଲାସ ଜେନା ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୋଷୀ କିଏ? ପୋଲିସ ତାକୁ ଧରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇନାହିଁ, ପୋଲିସର ହାତ ଖାଲି ରହିଛି। ନ୍ୟାୟ ଅପେକ୍ଷା କରିକରି 4.5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ପରିବାରର ଆଖିରୁ ଲୁହ ଶୁଖିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନି। ଶେଷରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ପନ୍ଥା ଆପଣେଇଥିଲେ ଉଲ୍ଲାସଙ୍କ ମା ଏବଂ ଭାଇ, କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟ କ'ଣ ମିଳିବ? ସେମାନଙ୍କୁ ଜେଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯାହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟାୟ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଉଲ୍ଲାସ ଜେନାଙ୍କର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଭାଇ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ କହିଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇଛି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଦସ୍ତାବିଜ ଅଛି, ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପୋଲିସକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନାହିଁ। ଇମ୍ରାନ୍ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି। ଇମ୍ରାନ୍, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ? ଇଏ ତ ଥିଲା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ, ରାଲି କଲେ, କିନ୍ତୁ କଥା ଉଠୁଛି ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଏ କେସ୍ କ'ଣ ଦେଖା କରୁଛନ୍ତି, ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ରୁଜୁ କରୁନାହାନ୍ତି, ଦୋଷୀକୁ ଧରୁନାହାନ୍ତି, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା କ'ଣ କରିବ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାଙ୍କର? ଏହି ରାଲିରେ ସୀମିତ ରହିଛି ମାନେ ଆଗକୁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ରହିଛି ଉଲ୍ଲାସ ଜେନାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ ନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଉଲ୍ଲାସଜନକ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଛି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେପିର ଏହି ପ୍ରତିବାଦ ଜାରି ରହିବ ଏବଂ ସେମାନେ ଏହାକୁ ଅଧିକ ତୀବ୍ର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ ଆହୁରି କଥା ଯେଉଁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଦାମୋଦର ରାଉତ ଯେତେବେଳେ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ଯେହେତୁ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ରହିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା ବୋଲି ଯାହାକି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଏବଂ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ ନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଉଲ୍ଲାସ ଜେନାଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଛି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେପିର ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ର ବିଜେପି କରିବ ଏବଂ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ। ରାଲି କେଉଁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, କେଉଁଠିକୁ ଯିବ, ଏଥିରେ କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ ଆଜି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ରାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏହା କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହା ଏହି ରାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ କୁଜଙ୍ଗ ଥାନା ଅଭିମୁଖ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଛି ଏବଂ କେବଳ କୁଜଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି 3ଟି ସ୍ଥାନରେ ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା କୁଜଙ୍ଗ ପାଖରୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ପାରାଦୀପ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ରାହାମା। ଏ 3ଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ ଏବଂ ସେଠି ବିଧାୟକଙ୍କ କୁଶ ପୁତଳିକା ଦାହ କରାଯିବ ବୋଲି ଯାହାକି ଆଜି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟ ତାଙ୍କର କୁଶ ପୁତଳିକା ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଏଠାକାର ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେପି ନେତା ବା କର୍ମୀମାନେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇଛି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଉଲ୍ଲାସ ଜେନାଙ୍କ ହତ୍ୟାକାରୀମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ ନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଛି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଏଠି ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଅଧିକ ତୀବ୍ର କରାଯିବ ବୋଲି ଯାହାକି ଆଜି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ, ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ, ଏବଂ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏହି ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନର ଚେତାବନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଆଯାଇଛି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଏହା କେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଗକୁ ଯାଉଛି ତା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିବ। ଶୁଣିବା ନିହାତି ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଇମ୍ରାନ୍। ଏଠିଲାମ ପ୍ରତିନିଧି ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍, ମୋଟାମୋଟି ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ବର୍ତ୍ତମାନ ଓହ୍ଲାଇଛି, ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ରାଲି ଆଜି କରୁଛନ୍ତି ଉଲ୍ଲାସ ଜେନାଙ୍କ ପରିବାରକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁଛି। ତ ଦେଖିବାର କଥା ଯେହେତୁ ଘଟଣାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୀତିକରଣ ହେଲାଣି ଏବଂ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ତ ଉଲ୍ଲାସ ଜେନାଙ୍କ ପରିବାରକୁ କେବେ ସୁଦ୍ଧା ନ୍ୟାୟ ମିଳୁଛି ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା। ସମୟ ଯାଇଛି ଅର୍ଗସ୍ ବିବ୍ରେକିଙ୍କୁ ଏଇଠି ରଖିବ। ନମସ୍କାର।